है? नहीं, स्क्रीन पे डेस्कटॉप नजर आ रहा है मैडम, आपका अभी आ रहा है, डेस्कटॉप अभी आ रहा है, अभी नहीं? हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा आ है। रहा है, हाँ, अभी आ रहा है। हाँ डेस्कटॉप के लिए नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ मैम वर्म्स कौन? इन हार्ट इज 2, वही जो कर रहे थे हम, लेफ्ट साइड ऑफ मैम कोई जाने क्लास ज्वाइन नहीं करेगी। मैंने कहा ईयर बता दीजिए। वाली ओके ठीक जून है, 2024, और बीएचबी ओके का मैम। पेपर है, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, बीएचबी 2, जाने वाली जून 2024। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ वर्म्स इन हार्ट 2, लेफ्ट साइड मैम हम वॉल्स ऑफ स्पाइन नहीं हार्ट। करेंगे क्या? क्वेश्चन पेपर तो सब कर लेंगे, स्पाइन करना था ना। हाँ वो तो है, हाँ टाइम नहीं है ना फिर ज्यादा, एक बार स्पाइन भी तो करना। हाँ स्पाइन कर लेंगे ना उसके बाद, हम उसके बाद स्पाइन, अच्छा अभी क्वेश्चन पेपर तो 2-4 दिन में हो जाएंगे सारे, उसके बाद हम स्पाइन पेपर तो 15, 14, 15 को है ना उसके बाद तो, ठीक है ठीक है ठीक ये कर लेते हैं अभी, फिर उसके बाद हम कल से हम क्वेश्चन पेपर नहीं करेंगे। हाँ है। हाँ मैम क्वेश्चन मैम, पेपर तो थोड़ा बहुत खुद भी कर सकते हैं ना, हाँ सब अपने आप से चेक हाँ होके। हाँ 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 तो हाँ उसमें कुछ गलतियां जाती है कभी कभी। क्योंकि हाँ, तो क्वेश्चन जिनको डाउट हो वो ग्रुप में डाल के पूछ लो, और तो क्या, हो सकता क्वेश्चन नंबर है थ्री, चरक से भी बहुत फास्ट हुआ था ना, तो अभी समझ में थोड़ा कम आया, तो सोचा रीचे वापस कर लेते हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्वेश्चन ओके मैम, नंबर हाँ ठीक है थ्री, मैम। क्वेश्चन नंबर थ्री, इट जनरेट्स इंपल्स फॉर सिस्टॉल इन हार्ट, ऐसे नो ऑल ऑल था। था हाँ ऑल था, अभी हमने ऐसा क्यों देखा मैम? ना, पेज नंबर क्या था, 61, 61, 61 है मैम, 61 इंग्लिश का, 61 है हिंदी का। हिंदी का आगे होगा ना थोड़ा सा, हिंदी का ज्यादा होते हैं उसके पेज, सिक्सटी अच्छा हाँ मिल गया, फोर मिल गया, ओके ओके मिल मैम हिंदी में भी गया, 61, 56 हाँ मिल गया मैम, 56 पे, ओके हाँ है ना इंग्लिश का। यस मैम। हाँ इट क्या हो गया वो अपना, ऑल फोर्थ ऑल हो गया। नंबर हाँ ऑल। नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, डायस्टॉल टाइम ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, डायस्टॉल जीरो टाइम पॉइंट 0.5 सेकेंड, उसी के हाँ नीचे सी है। आया मैम, हाँ उसी के हाँ नीचे, उसी डायस्टॉल आंसर है। राइट वेंट्रिकल है, नहीं है? हाँ वेंट्रिकल, पॉइंट हाँ जी मैम, फाइव वेंट्रिकल का 26 0.5। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ लोब्स इन राइट लंग्स, ये राइट 3 है मैडम इसका आंसर। मैंने अर्चिता मैडम से पूछा था, 3 है इसका आंसर, राइट लोब्स इन लंग्स, लंग है तो राइट लंग। 3 है इसमें। पे कोई पे ये पता है, अच्छा ये मैडम अर्चिता मैडम से पूछा था मैंने, मुझे नहीं समझ आ रही थी कहीं पे भी, तो मैंने मैडम से पूछ लिया था। पेज नंबर नहीं पता। नहीं पेज नंबर तो मैंने मैडम से क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन डाला और मैडम से आंसर मांग लिया उसका। ओके ठीक है, देखते हैं हम बाद में। प्यूरल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर, सिंगल लेयर, थ्री लेयर, सिंगल लेयर है मैडम, सिंगल सो इन द लेयर, 7 से 7 पेज पे है। मैम डबल लेयर लिखा हुआ ना इसमें, तो इनर लेयर और आउटर लेयर। सेवन टू हाँ सेवन दिस पेजेस इज अ सिंगल लेयर है। फाइब्रस थिन मेम्ब्रेन, द इनर लेयर ऑफ विच इज रिमेन एडहेरेंट टू लंग्स, एंड आउटर लेयर इज रिमेन एडहेरेंट टू इनर पार्ट्स ऑफ द रिब्स, देयर इज अ सिंगल पोटेंशियल लेयर में स्पेस सीक्रेटेड।
डबल लेयर हुआ ना ये तो। हाँ डबल हुआ ना, सिंगल इनर और आउटर। सिंगल, मैं बता देती हूँ आपको एक बार आंसर, एक मिनट। सिंगल लेयर दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ लोअर ना सॉरी प्लूरल मेंबर, प्लूरल मेंबरों में ये देखो ना, ये एक फाइब्रस महीन झिल्ली है, एक लिखा हुआ है इसमें, तो जिसके आंतरिक पर फेफड़ों की तरह सब फेफड़ों की सतह पर चिपकी हुई एडहेरेंट है, उसमें बाहरी पर पिंजरे की आंतरिक सतह पर चिपकी है, इन दोनों लेयर के मध्य में एक पोटेंशियल स्पेस है, इनमें इन्हीं कुछ लेयर नहीं, द्वारा लेयर तो दो सेपरेशन। बनी हुई ना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इनर लेयर और आउटर। देखो ना जहाँ प्लूरल मेम्ब्रेन की स्टार्टिंग लिखी हुई है वहां एक ये फाइब्रस महीन झिल्ली है, हाँ एक ए लिखा हुआ लिखा हुआ है, लेकिन वो है, मेम्ब्रेन के लिए लिखा हुआ है, लेयर तो दो है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन ही तो पूछा हुआ है, देखो लेयर ना प्लूरल पूछा, मेम्ब्रेन एक लेयर पूछा हुआ ना आंसर्स में, लेयर्स का ऑप्शन लिखा हुआ, डबल है, लेयर महीन सिंगल लेयर। झिल्ली है तो सिंगल लेयर ही होगा ना, तो उसका ओह आप नो, बाकी बात मैडम से कंफर्म कर लेंगे दोबारा ओके। इसको, वैसे गोल मार लो ना जैसे आंसर कंफर्म करना है तो क्वेश्चन मार्क कर दो आगे चाहे, वैसे तो मेरे हिसाब से तो सिंगल ही लिखा हुआ है इसमें, तो बाकी जो मैडम से कंफर्म कर लेंगे हम नहीं, लोग। ये तो मेम्ब्रेन लिखा है ना, मैम लेयर उसमें दो हाँ तो लिखा है ऊपर ना। भी तो मेम्ब्रेन ही है ना, देखो पहली लाइन ही जब या एक ये फाइब्रस महीन झिल्ली है तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन इट्स ओके, एक इट्स ओके, आगे महीन अपन झिल्ली। मैम से कंफर्म करेंगे, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ कंफर्म मैं कर लेंगे। क्वेश्चन ओके नंबर ओके ओके सेवन, मसल्स विच टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। मसल, ऑल डायफ्राम मसल, बैक मसल, एब्डोमिनल मसल। सारे लैंग्वेज में, हाँ क्योंकि 77 पेज पे आई होगी तो ये तो ऑल ही आएगा। ब्रीदिंग लिखा ना नीचे, उसके उसी के नीचे प्लूरल मेम्ब्रेन के नीचे ये दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन के प्रकार जो है ना उसी पे आ रहा है डायफ्राम ना। मसल, बैक मसल और एब्डोमिनल मसल टेक पार्ट, इस उसी का प्लूरल मेम्ब्रेन का बाद में का पैराग्राफ है। नॉट ओनली एक्सटर्नल एंड इंटरनल मसल्स बट ऑल्सो डायफ्राम मसल, इंस्पिरेशन 80%, बैक मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन। तो इसका होगा ऑल, पेज नंबर 71, इसका भी पेज नंबर 71। 77 है मैडम। अच्छा आपका अच्छा, 71 इंग्लिश का 71 है। सेवन। सेल्यूलर क्वेश्चन नंबर 8, सेल्यूलर नेक्रोसिस विल स्टार्ट इन टॉक्सिसिटी ऑफ CO2 इन एटमॉस्फियर इज। 20% 80 पेज पे आइए जहाँ ब्रीदिंग पॉइंट लिखा है ना, 82 और टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ, हाँ, हाँ उसी में मैडम 20% है। नेक्रोसिस विल स्टार्ट इट द पर्सन विल ब्रीद इन 20% ऑफ CO2 इन एयर मैडम ऑफ 10 to 15 मिनट्स, पांच फ्रॉजीनेस। नंबर है उसका, फिफ्थ नंबर है कुछ आंसर उसमें हाँ फिफ्थ टॉक्सिसिटी नंबर है। का। हाँ, सेल्युलर नेक्रोसिस विल स्टार्ट इफ टॉक्सिसिटी ऑफ CO2 इन एटमॉस्फियर इज 20%, 20%। हाइपोक्सिया अफेक्ट्स, ये हाइपोक्सिया, आएगा मैडम 1 मिलियन नेप्रोन ना सॉरी, ये आएगा रेस्पिरेटरी, ये 82 पेज पे है हाइपोक्सिया, ये हिंदी की 82 पेज पे आ गई है, एक पेज उल्टा हाइपोक्सिया लो उसमें। अफेक्ट्स। नेक्स्ट पेज रेस्पिरेटरी घुमा लो ट्रैक, ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
सिस्टम है, नर्वस सिस्टम पे भी है शायद, पहले नर्वस सिस्टम है, फिर रेस्पिरेटरी है, फिर मैम ऑल है इसमें, जीआईटी भी है, जीआईटी भी ऑल है, है, ऑल होगा मैम। ऑल 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 है, ऑल है। पेज नंबर 76। 77। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होने चाहिए। यस। मैम वही है, 1 मिलियन किडनी कहाँ पे है? पेज के चैप्टर में, पहले पेज पे, पेज नंबर, पेज नंबर नंबर 78। 78। लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। सेवेंटी हाँ 78। थर्ड पैराग्राफ है मैडम, थर्ड पैराग्राफ। हिंदी का कितना है? 84। 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, बोमन्स मॉर्मन कैप्सूल, कैप्सूल 78 पे है मैम। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। 135 + 10 मिनिमम है, ये पेज नंबर ग्लूकोज, 81 पे है। नहीं, ग्लूकोज एक्सक्रीटेड। 87 पेज पे है। 87 पेज पे, एटी इंग्लिश मैम, में एटी इंग्लिश में 80 नंबर पेज पे। 80।135 हाँ 135। होगा सबसे पहली लाइन है उसमें। ना। इलेवन का तो ये दिया था, सी वाला ना, इलेवन का सी है ना। हाँ मॉर्मन्स कैप्सूल मैम, पेज नहीं लिखा उसको इसका पेज मैम। नंबर इलेवन का 80 है ना, हिंदी का इसका पेज, हिंदी एक मैम 12th नंबर का पेज नंबर का 80 है। हाँ, और उसका 78 है ऊपर वाले का, अगर लिखना हो तो। हाँ 80 है ना, और इसका 80, 78 इसका 78 है। दीज है। आर द बॉडी वेस्ट विच इज रिमूव्ड बाय किडनी, यूरिया, यूरिक ऑल एसिड, क्रिएटिनिन, ऑल है। ऑल पेज ऑल है, नंबर 10 7 पेज पे ही है मैडम। पेज पे है। ग्लूकोज हाँ सेम पेज पे ही है, लास्ट में है, लास्ट में। ग्लूकोज नहीं, 81 पे है, लास्ट पेज पे। हाँ 81 पे, फंक्शन ऑफ किडनी में। ऑल है ना। मेरे को तो था यस। कुछ मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 14। इन केस ऑफ हाइपोक्सिया किडनी विल सिक्रेट, बोथ इन है केस मैडम, ऑफ हाइपोक्सिया किडनी बोथ विल सिक्रेट। है। क्रिएट करती है 82 पे इंग्लिश का, 88 हिंदी का। पूरा ये तुम्हें वाला गेम है, एट हिंदी का कितना है मैम? 88 मैडम, और इंग्लिश 88। का क्या है इसका आंसर? रेनिन, बोथ है मैडम, एरिथ्रोइटिन, बोथ। बोथ बोथ। हाँ पेज नंबर 88। 82 है मैम इंग्लिश का। 82 है मैडम, और हिंदी का? हिंदी का है 88 पेज। 88। क्वेश्चन नंबर 15। दीज आर लोकल हार्मोन्स, लोकल, गैस्ट्रिन, ऑल ब्रेडिकिनिन, एसिटी, कोलिन, ऑल ऑल ऑल। है,
ऑल पेज नंबर 86 का 92 है। सिक्सटीन, क्वेश्चन नंबर 16, इंसुलिन इज अ ट्रू ट्रू हार्मोन। हार्मोन, ट्रू ये हार्मोन, 93 पेज पे है। पेज ट्रू हार्मोन नंबर 86 92 वो एंडोक्राइन वाला लेसन है ना जो, वही 86, 86 पे मैम। 86। एडीएच इज सिक्रेटेड बाय। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पेज नंबर 87 एंटीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है एडीएच, 90 87 नेक्स्ट पेज पे, ये हाँ 93 पेज पे है उसका। इट फॉर्म्स रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये इसका आंसर एल्वियोलार इपिथेलियम, कैपिलरी इपिथेलियम, बोथ, कौन सा है? नहीं, बहुत है मैडम, ये 75 पेज पे है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसके आएगा ये वोट, पेज नंबर कौन सा आएगा? पेज नंबर 75 हिंदी में, टॉपिक सेकेंड। का नाम क्या है? टॉपिक का नाम अच्छा मैम, हाँ ये रहा यहाँ पे, 69 पे है, एल्वियोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम फंक्शंस जॉइंटली ऑफ द ग्रो फंक्शंस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम है चैप्टर नंबर मैम सेवन 69 पे, 69 पेज नंबर क्या? इंग्लिश में, सेल टाइप टू सेल के ऊपर का पैराग्राफ। इट फॉर्म्स एल रेस्पिरेटरी बोथ मेम्ब्रेन। बोथ बोथ होगा मैम, बोथ एल्वियोलार एपिथेलियम, एंडोथेलियम, जॉइंटली मेक्स रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ए फोर्थ यस। पेज नंबर 6। फ्लैश फ्लैश कर के 75 भी कर दो ना मैम, हिंदी का 75। क्वेश्चन नंबर 18। इट इज कॉल्ड स्पीच बॉक्स, लैरिंग्स। लैरिंक्स पेज नंबर बताओ। 68 95, 68 इंग्लिश, 78 हिंदी का, 76 मैम, 74, सॉरी 74, 74, 74 75। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। पायलट लंग्स प्योरीफाई 5 लीटर्स, लंग्स प्यूरिफाई 5 लीटर्स ऑफ हाँ ब्लड। जी हाँ जी, हाँ, ये तो पिछले 5 लीटर, क्वेश्चन में भी गया था, पेपर में 69 सेम पेज पे लिखा हुआ है, सेम पेज पे है। पेपर 69 पे है ना, जहाँ आंसर 69 नहीं है। क्या है आंसर? 5 लीटर्स, 5 लीटर, 9। क्वेश्चन नंबर 21। हार्ट रिसीव्स ब्लड थ्रू कोरोनरी आर्टरीज, ब्लड कोरोनरी आर्टरीज, ये पेज नंबर क्या है इसका? पेज फर्स्ट पेज है ना, नंबर फर्स्ट कितने, और भूल गए पे देगा ना, लिखा हुआ नहीं है इसमें कहीं, कोरोनरी आर्टरीज कोरोनरी के बारे में आर्टरी है शायद, कोरोनरी है तो कॉर्नरी आर्टरी पर बुक में लिखा हुआ पढ़ा नहीं आर्टरी। मैम ने, वैसे ही बताया था ना,
बुक में तो कहीं दिखा नहीं। हाँ हार्ट तो कोरोनरी ही रहेगा, है तो लिखेगा वही, पर बुक में लिखा हुआ दिखा नहीं कहीं। मैम ने तो बताया था वही। हाँ चलो इसको सिर्फ ये कर देते हैं, टिक नहीं कोरोना के आर्ट हाँ को। चलो नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर मेड अप ऑफ। इसमें ना कोई बोथ फिगर दी हुई बोथ है, हमें, बोथ है, बोथ बहुत है बहुत। है। एक फिगर दी हुई है जो आपने बोला उसमें हाइपोक्सिया एनीमिक। तो नहीं है, कोरोनरी आर्टरी उसमें फिगर में दी हुई है। हाँ नेफ्रॉन फिगर में दिया है, फॉर्मा, चार्ट में, चार्ट में दिया फिगर है। तो याद आ गया ना क्योंकि पेज नंबर नहीं लिखा तो फिगर में था वो। वॉल ऑफ आर्टरीज बोथ स्मूथ मसल्स बोथ एंड इलास्टिक मसल्स, जाएगा ना। बोथ है इसका, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक मसल्स। हाइपोक्सिया में भी एनीमिक, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है ना, तो दोनों एनीमिक। से आएगा ना, एनेमिक से भी आता है, मैम हिस्टोटिक ये टॉक्स ऑल भी तो हो सकता है। हाँ ऑल ही आएगा। 82-83 पेज पे है टॉक्सिक, ये, देखिए 82-83 पेज है तो आपका 76 होगा शायद, 70-77 पे होगा, तो उसमें ऑल ही है ना। ऑल ऑल ऑल। मैम इसका पेज यार नंबर कौन सा है, 23 का, हिंदी का? 82 83। अपॉक्सिया वाला में जो उसमें है ना उसमें आएगा। उसमें चार टाइप के है ना, हाइपोटॉक्सिक और स्टेग्नेंटेड, एनेमिक और हाइपोक्सिक। मैम पेज नहीं नंबर आए 76 76। लिख दो, उस पे अगर लिखना है तो, 23 क्वेश्चन पे। हाँ 83-84, 82-83 82-83 पे है, हिंदी में, डी में हिंदी 82-83 दोनों में आ रहा ना उसका आंसर। नेफ्रॉन परफॉर्म्स फिल्ट्रेशन ये रिएब्सॉर्प्शन, अब बोथ। तो नहीं ये दोनों तो नहीं करता मैडम उसमें। 86 पेज पे है देखो आप जरा, क्या 86 पेज पे आ जरा किसका, इसका, हेलो नेफ्रॉन डॉक्टर का ना? है ना मैं तो। हाँ तो बोथ होगा ना ये तो। एटी मैम, इंग्लिश में 80 पे। रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, हाँ वो दोनों लिखा, आफ्टर फिल्ट्रेशन द फंक्शन ऑफ टेबुलर एब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन, रिएब्जॉर्प्शन ही है मैडम, फिल्ट्रेशन तो कहीं नहीं मुझे दिखा, कभी मैंने ये रिएब्जॉर्प्शन तो जो नहीं हेडिंग पढ़ेंगे ना, आफ्टर फिल्ट्रेशन द फंक्शन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिल्ट्रेशन तो एनीवेज होता ही होता है, रीअब्सॉर्प्शन भी होता है। और ये पहला आपने सारा वही डीटीसी पीटीसी ओसी का ही है ना, नेफ्रॉन का ही पार्ट है। हाँ तो बहुत आ जाएगा फिर तो आंसर। बहुत आएगा, वही तो बोल रही। हाँ बहुत है, सॉरी मेरे बहुत पे ही टिक लगा हुआ है, सॉरी ध्यान नहीं ही नहीं ये नहीं। हाँ देखो, फिल्ट्रेशन के पश्चात नेफ्रॉन का ट्यूबुलर रिएब्सॉर्प्शन का कार्य अत्यंत बहुत है ना, बहुत है महत्वपूर्ण ना, होता है, सी सिलेक्टिव एक एक्टिव। सिक्स पेज पे है ना, और नीचे एब्जॉर्प्शन से ऊपर भी डैमेज पड़ो तो सारा होता इसमें आ जाए, बहुत ही है ना। यूरिनरी ट्राइगोन एरिया इज द पार्ट ऑफ, ब्लैडर 39 यूरिनरी पेज पे ये 89 है तो आपका 81 या 82 होगा, 84 पे मैचुरेशन 84 पे। हाँ में। हाँ मैचुरेशन जी हिंदी का कितना मैम? 9 है, सेकेंड पैराग्राफ में ना, थर्ड पैराग्राफ में वो बीच में ही है, सेंटर में त्रिभुजा हिंदी का का क्या है पेपर पेज है जो नंबर, हिंदी का पेज नंबर क्या है?
89 89 या 90 हो गई होगी ना, नीचे मेरे ओके पेट पे, यहाँ पे पेट के नीचे थायराइड नाइन्टी ग्लैंड पे, नाइन्टी प्रेजेंट इन पे, हाँ प्रो नाइन्टी पेज पे है थायराइड वही मेरे ग्लैंड एक्चुअली मेरे नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन सी इन थ्रोट, 98 पेज पे है ये भी, थ्रोट बिनीथ द लैरिंग्स साइनस रहता बोथ साइड ऑफ ट्रकिया है। हाँ जी मैम, यानी थ्रोट ही हो गया ना बिनीथ द हाँ मैम, लैरिंग्स एंड बोथ साइड ऑफ द ट्रकिया थ्रोट पे जैसे ये थ्रोट ही थाइमस होगा होता है, थ्रोट पे यहाँ थ्रोट हिंदी है का ना, पेज कितना है, हिंदी नाइनटी नाइनटी का पेज कितना है नाइन तो मौसम हो ना मैम, इंग्लिश इंग्लिश का का भी भी 98 98 है 98 वो लिखा हिंदी का ज्यादा ओ इसमें हो गया, ये हाइपोथैलेमस रहते हैं एड्रेनल पेज कॉर्टेक्स नंबर नीचे मुझे मैं समझ हिंदी का में वो नहीं तो आ रहा आगे है हिंदी पढ़ी, का पेज नंबर कितना है हिंदी वाली जिसकी बुक है ना उसके पास पूछो, मेरे पास इंग्लिश की बुक भी है, वो तो मेरे पीडीएफ निकलवाया था उसके नीचे नंबर कट थायरॉइड गए, उसके ग्लैंड नंबर इज नहीं मिले। प्रेजेंट इन चेस्ट थ्रोट ये इसका पेज नंबर लिखना है हिंदी का मुझे हिंदी का पेज नंबर बताओ मैम हिंदी का 102 पे पेज होगा, 4 पेज आगे पीछे 102 लिख दो आईडीएस। 5 नंबर आगे होगा, 5 या 6 पेज आगे, अपने आप देख लेंगे मैडम, जिसको देखना है जाने तो। दो 98 हाँ ठीक है ओके तो चेस्ट पे थायमस रहता है थ्रोट पे थायराइड एड्रेनल किडनी के यहाँ पे और हाइपोथैलेमस ब्रेन में रहता है पिट्यूटरी मैम आपके पास हिंदी बुक है क्या? आप आंसर नहीं किए मैम, कब से हिंदी के लिए पूछ रही है मैम। नहीं मैं मुझे भी पता नहीं मैं 104 ओके ठीक मैम, है कितना हिंदी में 104 104 104 मैं वही तो पूछ रही हूँ कब से पेज नंबर मैम, ओके वो देख रही थी मैं, चेक कर रही थी मैम। ओके 104 104 चलो आगे क्वेश्चन नंबर 27 इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आए तो हाइपोथैलेमस सेकेंड हाइपोथैलेमस नंबर पेज बी है, नंबर अब मैं पे नंबर नहीं बता मैम सकती 92 क्योंकि इंग्लिश में आप 92 98 और 98 हाइपोथैलेमस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल कॉज हाइपर जाइगेंटिज्म सिक्रीशन ऑफ जी, ग्रोथ हार्मोन क्या 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 94 94 जी पेज नंबर हंड्रेड हंड्रेड जी हिंदी का नाइन्टी फोर इंग्लिश में इन केस ऑफ हाइपो कैल्सीमिया कैलोसिस कैल्मिया कार्कोपेडल स्पास लैरिंजियल स्पास नॉसिया और ऑल ऑल पेज नंबर है तो हाइपो कैल्सीमिया कैल्शियम 107 हिंदी मैम, इंग्लिश में 101 हाइपो कैल्सिमिया मैम, ऑल है ना आंसर? हाँ ऑल 101 पे 107 पे हिंदी मैम, आप आंसर चेक मत करो, आप लाइक करो ये क्या है पेज 101 जीरो हंड्रेड वन हिंदी का कितना है पेज नंबर क्या है हिंदी का 107 107 ऑल नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सीक्रेट्स वो
इंसुलिन भी है, ग्लाइकोगन भी है। बहुत बहुत बहुत। 103 पे है इसका आंसर, इंग्लिश की अच्छा बुक का। ठीक मंदिर थी। हिंदी का 110 110 है हो, पता। 110 होगा। हिंदी का नहीं समझ में आ मैं रहा। 110 ही, अभी 107 ओके, था ना इसीलिए बता रही हूँ। हाइपर वन सिक्रीशन हंड्रेड ऑफ नाइन एल्डोस्टेरॉन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ये है एल्डोस्टेरॉन। कौन सिंड्रोम है, क्वेश्चन मतलब ये आंसर है, सिंड्रोम। 109 नंबर पेज में है इंग्लिश की। कौन सिंड्रोम, हाइपरसेक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन विल बी कॉल्ड कौन सिंड्रोम, 109 पेज पे है ना इंग्लिश की। टर्निंग सिंड्रोम, कर को तो पुशिंग सिंड्रोम, बोथ एल्डोस्टेरोन, ओके बोथ है। हाँ एल्डोस्टेरोन में तो लिखा नहीं है। अच्छा ओके ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ओके ओके वन नॉट हाँ 109 पे। ओके कैनिन वन सिंड्रोम हंड्रेड लिखा हुआ है। हाइपरसिक्रेशन मैं कौन कॉज से, सीवियर मसल्स वेस्टिंग ड्यू टू द लो पोटेशियम लेवल इन ब्लड। द पेशेंट विल हैव हाइपर टेंशन। दीज सिस्टम्स मैम आर नोन एज कैनन सिंड्रोम। कौन 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 से सिंड्रोम है, यही है मैडम आंसर। कौन सिंड्रोम, कौन सिंड्रोम, ए आंसर है, ए कशिंग सिंड्रोम किधर को पड़ा था? 109। मैं वो कुशन सिंड्रोम हाइपर एक्टिव उसमें है, हाइपर एड्रिनल कॉर्टेक्स में। कुशिंग सिंड्रोम उसी के आगे लिखा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। 32 क्वेश्चन नंबर 32। इन केस ऑफ शॉक दीज हार्मोन्स हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। एल्डोस्टेरोन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऑल। और 108 पेज पे ये सारा, मैम नॉन नॉन एपिनेफ्रिन और ये वाला ऑल ही है ये ना, ऑल है, ऑल ही ऑल ही ऑल। है, 108 पेज पे है ना इंग्लिश की। ठीक हाँ, फ्लाइट और फाइट मोड में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 33। FSH एंड LH हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय ओहरी। पिट्यूटरी, ओवरी ओवरी हाँ पिट्यूटरी है इसका आंसर, और ये 95 और 96 पोज पे है, हाँ पिचक्री 95 है। हाँ, पिचक्री ये पोज पे है, ओवरी है भी उसको फर्टिलेशन की। आता है, पिट्यूटरी इसको क्रिएट करता पेज नंबर है, 95 थैंक 96 यू। अच्छा इंग्लिश वाली बुक है ये फीमेल पेज इज नंबर। बर्थ्स विद FSH हार्मोन एंड मेंटेन द जर्मिनल सेल्स ऑफ ओवरीज। इन ओवरियन फॉलिकल इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन बाय रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। आफ्टर दैट इट हेल्प्स लेफ्ट ओवरी फॉलिकल ओवर टू टर्न हिंदी इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। हिंदी का 101 कहाँ पे लिखा हुआ है? 95 195 पे आपको नीचे पे कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ होगा ना, क्योंकि 95 96 मैंने लिखा है ना, दो पेज लिखे हैं, तो इसका मतलब लास्ट लाइनों में होगा वो। मैम वो फंक्शन में ही लिखा है, ऊपर तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शंस लिखा है। सेक्रेटेड बाय द बेसोफिलिक सेल्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इन फीमेल इट वर्क्स विथ एफएसएच ये क्या हार्मोन। है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ना ग्रोथ हार्मोन आता है, प्रोलैक्टिन आता है और एलएच आता है। तो एलएच जो है ना वो है, तो मेन उसका ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। हाँ जी है ना, इज अ तो हम ग्लाइकोसिन, पिट्यूटरी लिखेंगे तो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड ही ना मैम। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी हाँ पिट्यूटरी से से होता होता है, है।
करने के लिए दोनों। वो किसके लिए है वो अलग बात है, लेकिन ये सीक्रेट तो ये प्रोट्यूटरी करता है ना। पिट्यूटरी सिक्रेट करता है। हाँ ओवरी में सिक्रेशन होता है। हाँ ओके क्वेश्चन नंबर 34। इन केस ऑफ एनोमैलीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स द चाइल्ड मे बी बंगालीज दोनों ही आएंगे क्लेमेंट मैडम, बोथ एल्डर बोथ। मैंगोलिज्म और क्लैन फ्लिट, ये दोनों ही आएंगे इसमें। 113 114 पेज भी है दोनों का इसका आंसर, वो वन इंग्लिश की 113 फोर्टी एंड 114। वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री एनोमलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। आप अब नंबर एनोमलीज लिख, ऑफ सेक्स अब हम हार्मोन्स में भी करते हैं इंग्लिश का पेज मैंगनीज हो। ऑफ क्लीन। लैपटॉप इधर। हाँ दोनों है, बोथ 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 बहुत है, आपने टिक कहाँ पे पढ़ा? बोथ। ठीक है बस उनका तीन हेलो। पेज है दोनों, 113 114 दोनों पेज है। 120 हिंदी का 20 हाँ 120। 35 क्वेश्चन नंबर 35। द बोन दैट कवर्स द हार्ट द नम सेकेंड वाला ना तो स्टर्नम, स्टर्नम। स्टर्नम बताया था शायद मैंने। स्टर्नम स्टर्नम ही। पेज फीमर नंबर किसको अभी था? पटेला पेज नंबर तो क्या आता है? फीमर पटेला तो नी में होता है, और फेमर जो होती है ये टांग की हड्डी का नाम है फेमर, तो ये स्टर्नम ही है। सरनाम ही है ना, लेकिन पेज नंबर किस कहाँ है? मैम बुक में नहीं लिखा इसमें कहीं। पेज नंबर नहीं मिला था मैडम, ये वैसे मैम ने मैंने तो, हाँ क्लास में बताया था। नहीं क्योंकि स्टेला तो, जब टेला जो है वैसे भी नी के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं, जो कप कप शेप में नीचे उस पे लगा होता है, कप कवर की होती है उसको पटेला बोलते हैं। और फेमर जरिया ये हाथ की जो दूसरी हड्डी होती है ना है। हाँ पतली वाली, एक फिबुला होती है एक फिबुला ये वाली होती है, तो ये वो बाजू की हड्डी है, ये बाजू की या टांग की हड्डी है, दोनों में से एक है। मुझे इतना कंफर्म ये है कि टांग की है कि बाजू की है, पर ये इन्हीं की है स्टर्नम किसी की। ही है। स्टर्नम ही है। हाँ ये मैंने पूछा आगे था क्वेश्चन तो मैडम से, बोथ प्रोस्टेट ग्लैंड सिंथेसिस 115 पेज पे मैडम इंग्लिश की। 115। हाँ जी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन टेस्टिस। प्रोस्टेटिक फ्लूइड और हार्मोनिक प्रोस्टेज, ये दोनों ही उसमें आते हैं। टॉपिक का नाम बता दीजिए। टॉपिक का नाम तो बुक नहीं है ना मेरे पास इस टाइम, लेकिन मैं बता 115 अच्छा पेज में एक इंग्लिश सौ पंद्रह इंग्लिश ग्लैंड में है ना। इंग्लिश में 115 है।